जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने कहा कि अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली के बावजूद शैक्षणिक संस्थानों को मूल्यों के संरक्षण व संवर्धन पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मंगलवार को सत्यम शिवम सुंदरम एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन शंकर कुमार व संस्थान के MD ओम नारायण की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित समारोह में जिले के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान कुर्मा संस्कृति स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के उद्घाटन के बाद SP अरविंद प्रताप सिंह के साथ आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रही थी। DM ने शिक्षकों व बच्चों को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि अपने स्थापित सामाजिक मूल्यों को दरकिनार कर कोई भी समाज या देश विकास की बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता। DM व SP ने कुर्मा संस्कृति स्कूल में दी जा रही बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाके में इस तरह के उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान समाज में शिक्षा के विकास को बल देने में सहायक सिद्ध होंगे। इसके पूर्व स्कूल के बच्चों ने अपने अर्थपूर्ण व खूबसूरत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल में समा बांध दिया। दोनों अधिकारियों ने स्कूल परिसर में लगाए गए साइंस एग्जीबिशन का अवलोकन कर बच्चों से उनके तकनीकी उद्देश्य व तात्पर्य के बारे में विस्तार से जानकारियां प्राप्त की। स्कूल के प्रिंसिपल अर्पणा सिंह ने कार्यक्रम का बड़े ही शानदार व प्रभावी तरीके से संचालन किया। DM व SP ने साइंस एग्जीबिशन में बच्चों के द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक प्रोजेक्ट का अवलोकन के दौरान उनके विजन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में बेहतर करने के लिए कई टिप्स भी दिए। बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में रोबोटिक्स के मॉडल के अलावा मानवीय शरीर की संरचना व जलवायु परिवर्तन सहित कई अन्य विषयों पर प्रोजेक्ट्स व मॉडल तैयार कर रखा था। सभी प्रोजेक्ट की बच्चों ने अधिकारियों के समक्ष विवेचना कर उनके उद्देश्य तात्पर्य व उपयोगिता से अवगत कराया। DM ने कहा कि बच्चों को सदैव नई नई तकनीकी विकास के प्रति सचेष्ट होकर उसकी गहन जानकारियों से अवगत होना चाहिए। DM ने कहा कि कुर्मा संस्कृति के परिसर में स्थापित हो रहा 750 बेड का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अलावा व अन्य तकनीकी संस्थान जिले में एक बेहतर माहौल स्थापित करने में सहायक होगा। यहां देश भर के विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने आ सकेंगे। इससे जिले की सकारात्मक छवि को राष्ट्रीय स्तर पर उभरने में मदद मिलेगी। SP ने कहा कि सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में मेडिकल कॉलेज के अलावा अन्य तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश असाधारण है। इसके लिए उन्होंने संस्थान के संस्थापक शंकर कुमार की सराहना करते हुए कहा कि आमतौर पर स्थापित निवेशक महानगरों व बड़े बड़े शहरों में ही संस्थानों की स्थापना करते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से बड़े शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए असाधारण हिम्मत दिखाई गई है, यह वास्तव में सराहनीय है। SP ने बच्चों को शिक्षा के अलावा शारीरिक गतिविधियों पर भी फोकस करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि खेल कूद समग्र विकास के लिए अत्यंत जरूरी साधन है, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। वहीं इस मौके पर MD ओम नारायण ने बताया कि परिसर में विद्यार्पण कार्यक्रम के तहत चयनित 700 गरीब बच्चों के लिए अलग भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त में आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। दरअसल शिक्षा की ज्योति से समाज को रोशन करना संस्था का मुख्य उद्देश्य है। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। पहली बार इस विद्यालय में मैं आ रहा हूँ, या जो प्रांगण है इसमें आ रहा हूँ, जिसमें आप लोगों के
फ्यूचर के और भी प्लान्स हैं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि आई टी आई के साथ 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 MBBS का कॉलेज भी आप लोग खोलना चाहते हैं, और धीरे धीरे ये पूरा एक कॉलेज एक एडमिशनल कैंपस के रूप में परिवर्तित हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर आते ही, इसके लिए मैं इस कॉलेज के प्रबंधन को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने बताया कि ये इनका गांव यहीं के ये निवासी और यहीं के रहने वाले हैं। हम सब लोग अपने जीवन में कुछ उपलब्धियों के साथ और कुछ भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ जाते हैं, और हम लोगों की यही अपेक्षा होती है कि जो हम लोगों ने अर्जित किया है उससे उस समाज को लाभ दे पाएँ जहाँ को से हम बिलोंग करते हैं, यानी अपनी जड़ों की तरफ भी लौट पाए। तो ये जो विद्यालय है इसका नाम भी आप लोगों ने कुर्मा संस्कृत स्कूल रखा है, जिसमें एक गांव का भी नाम है, संस्कृत भी है और स्कूल भी है। तो अगर इस नाम को ही हम लोग आप लोग भविष्य में सार्थक करते रहें तो मुझे लगता है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। मेरे पास समय की कितनी भी कमी हो, किसी भी स्कूल से या कॉलेज से या बच्चों के बीच में रहने का कोई भी मौका मुझे मिलता है तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि आप लोगों को शायद ये रियलाइज नहीं होता, बट हम आपको जितना कुछ सिखा सकते हैं, जितना कुछ दे सकते हैं, या जैसा मैम ने कहा मोटिवेशन होता है, जो भी आपको हेल्प हमसे मिल सकती है, उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी, उससे ज़्यादा एनर्जी और वाइटैलिटी आप हमें देते हैं। जहाँ तक आपके विद्यालय के एनवायरनमेंट का, स्कूल के माहौल का सवाल है, मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि यहाँ पर आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा है। डेफिनेटली दैट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द डिसिप्लिन, फ्रॉम द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन दैट द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव, दैट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड वेल फॉर द फ्यूचर। इसके लिए मैं जो स्कूल की पूरी टीम है इंक्लूडिंग द चेयरमैन साहब, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इस तरीके के संस्थानों की, इस तरीके के विद्यालयों की देश में बहुत ज़रूरत है, जो ना केवल एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन की तरह काम करें बल्कि बच्चों में वो वैल्यू सिस्टम भी लेकर आए जिसकी हमारे फ्यूचर सिटीजन्स को देश के प्रोग्रेस के लिए जरूरत है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था और साथ में प्रदर्शनी थी जिसमें बच्चों ने साइंस और रोबोटिक्स की प्रदर्शनी की और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था, और डीएम मैम और एसपी सर दोनों आज कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम के साथ साथ आने वाले समय में जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है कुर्मा संस्कृति का, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, एक 650 बेड का हॉस्पिटल और 150 इंटेक सीट का MBBS कॉलेज स्थापना हम लोग कर रहे हैं और ज़ोर शोर से काम लगा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसका भी मैम लोगों को दिखाना था, मैम और सर को दिखाना था एक बार, और आप सब को भी उसका एक शुरुआत आप लोगों को दिखानी थी कि ऐसा प्रोजेक्ट हम लोग जहानाबाद में कर रहे हैं, और जोर शोर से काम लगा हुआ है और आशा है कि 2026 के सत्र में हम लोग यहाँ पे MBBS का एडमिशन लेना शुरू कर देंगे। इस तरह के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य होता है मुख्यतः कि बच्चों को एक इंटरेक्शन का मौका मिले। जब भी कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति आते हैं संस्था में तो बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, और अगर हम बात करें डीएम मैम की और एसपी सर की, तो इनका खुद का एक लंबा एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, और हमने हमेशा देखा है कि जब भी इस तरह के लोग कैंपस में आते हैं तो कुछ ऐसा शेयर करते हैं बच्चों के साथ जो उनके लिए बहुत मोटिवेशन होता है, और उनको भी आगे पढ़ने का, जब बच्चे उनको देखते हैं तो उनको भी मेहनत करने का एक जज्बा जागता है और आगे करते हैं। और जो सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके थ्रू बच्चे अपना एक्सपोजर कर देते हैं, अपना स्टेज फाइट खत्म करते हैं, और विभिन्न तरह के पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी सांस्कृतिक चीज़ें या कल्चरल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी कारण हमारा बहुत फोकस रहता है हमारे कुर्मा संस्कृति स्कूल का कि पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ हर तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे जरूर पार्टिसिपेट करें ताकि ओवरऑल उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पेरेंट्स और बच्चों को हम हमेशा कहते हैं सर, सबसे पहले तो हम सभी को, आप प्रेस के बंधुओं को, सारे पेरेंट्स को, और जो हम पे कुर्मा संस्कृति पे भरोसा जताते हैं,
हम हमेशा मानते हैं कि हर एक अभिभावक का सबसे बड़ा धन उनके बच्चे होते हैं, और जब वो किसी स्कूल में बच्चे को देते हैं, सौंपते हैं, और अगर हम अपने स्कूल की बात करें, कुर्मा संस्कृति स्कूल की बात करें, तो पिछले 5 वर्षों में बहुत प्यार मिला है अभिभावकों से और यहाँ के लोगों से, और आज स्कूल की एक अच्छी स्टूडेंट स्ट्रेंथ हो गई है। आज पढ़ाई के लिए जहानाबाद जिले में अपना स्कूल जाने लगा है। आज जो हमारे बच्चे हैं वो एक अपनी पहचान बना रहे हैं। हर तरह के कार्यक्रम जो जहानाबाद में जिला स्तर के, राज्य स्तर के होते हैं, उसमें जो हमारे बच्चे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक अपनी पहचान छोड़ के आते हैं। तो और सबका बहुत सहयोग मिलता है, सब लोगों का, और बहुत भरोसा जता रहे हैं पेरेंट्स और स्कूल और पूरा जो संस्था है हमारा, अलग अलग कॉलेजेस हैं, ये काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी अभिभावकों का हम पे भरोसा जताने के लिए, अपने बच्चों को हमें देने के लिए, और हमें एक मौका देने के लिए कि हम आपके बच्चों को ग्रूम कर सकें।